ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता के फोरम तीखी बात में आपका स्वागत है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत की बातों से कभी सहमत नहीं रहा। पिछले 2 सालों से मैं उनकी बातों की आलोचना सार्वजनिक रूप से एवं सोशल मीडिया के माध्यमों से करता रहा हूँ। गलत बातों की आलोचना करना और सही बात की प्रशंसा करना न केवल मेरे स्वभाव में है अपितु मेरा धर्म भी है। मैंने डॉक्टर मोहन भागवत के इस वक्तव्य की आलोचना की थी कि भारत में रहने वाले सब लोग हिंदू हैं। भारत के करोड़ों लोग मोहन भागवत की इस बात से सहमत नहीं हैं। मैंने भागवत के इस वक्तव्य की भी आलोचना की कि भारत के हिंदुओं एवं मुसलमानों का DNA एक है। मेरे जैसे करोड़ों लोग मानते हैं कि अतीत में बहुत कम हिंदुओं ने ही इस्लाम स्वीकार किया था। यदि हिंदुओं ने इस्लाम के समक्ष घुटने टेक दिए होते तो हमारे जैसे 120 करोड़ हिंदू आज हिंदू नहीं होते। भारत के अधिकांश मुसलमानों का DNA मध्य एशिया से आया है। और फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि किस किस का DNA एक है या वह कहां कहां से आया है। DNA तो कौरव और पांडवों का भी एक ही था और एक ही घर से आया था। DNA तो शिशुपाल, जरासंध और श्री कृष्ण का भी एक ही था जो कि महाराज ययाति से आया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि सनातन के पक्ष में कौन खड़ा है। मैंने डॉक्टर मोहन भागवत के उस वक्तव्य की भी आलोचना की थी कि पाकिस्तान भारत में मिलने ही वाला है, अखंड भारत बनने ही वाला है, इसलिए हिंदू तैयारी करें। तब मैंने यह प्रश्न उठाया था कि हिंदुओं को क्या तैयारी करनी है। मैंने मोहन भागवत की इस बात की भी आलोचना की थी कि लोग भले ही बाहर से विरोध करें किंतु भीतर से तो RSS को सब मानते हैं। मैंने कहा था कि यदि मानते होते तो दुर्गा पांडालों पर पत्थर नहीं बरस रहे होते। मैंने अपने पिछले आलेख आधी अधूरी सी लगती हैं डॉक्टर मोहन भागवत की बातें मैं आग्रह किया था कि देश के करोड़ों हिंदुओं को डॉक्टर मोहन भागवत से बहुत आशाएं हैं। यदि वे हुंकार भरेंगे तो हिंदुओं को बहुत शक्ति मिलेगी। मैं यह तो नहीं कह सकता कि मेरी बात उन तक पहुंची या नहीं, किंतु 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी के दिन उन्होंने जो हुंकार भरी है वह भारत माता की आत्मा की आवाज है। हिंदुओं को इसी बल की आवश्यकता है जिससे वे एकजुट रहकर अपनी, अपने परिवार की, अपने धर्म की और अपने रोजगार की रक्षा कर सकें। आदित्यनाथ योगी और नरेंद्र मोदी तो पहले से ही कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अब मोहन भागवत ने भी यही हुंकार भरी है। इस हुंकार का स्वागत है। विजयादशमी पर अपने वार्षिक भाषण में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं से एकजुट होने एवं शक्ति की आराधना करने का आह्वान किया, क्योंकि कमजोर की परवाह तो भगवान भी नहीं करते। डॉक्टर भागवत ने कहा कि न तो घोड़े की बलि दी जाती है, न ही हाथी की और न ही बाघ की, केवल बकरे की बलि दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि घोड़ा लात मारेगा, हाथी बहुत बड़ा है और बाघ चोट पहुंचाएगा, किंतु बकरा मौत का विरोध करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बिना किसी कारण के हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में अत्याचारी कट्टरपंथी प्रकृति मौजूद है। हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों के सिर पर खतरे की तलवार लटक रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के हिंदू समुदाय को यह सबक सीखना चाहिए कि असंगठित और कमजोर होना दुष्टों द्वारा अत्याचार किए जाने को आमंत्रित करने के समान है। देश के निर्माण में हिंदुओं की भूमिका का उल्लेख करते हुए डॉक्टर भागवत ने कहा कि भारत को एक खुशहाल, शांतिपूर्ण, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र बनाने में हिंदू समाज की बड़ी भूमिका है। डॉक्टर भागवत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अराजकता का व्याकरण संबंधी विचारों को उद्धृत करते हुए महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन के दौरान अकारण हुई पथराव की घटनाओं का भी उल्लेख किया। भागवत ने कहा कि देश में बिना किसी कारण के कट्टरता को भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं। मुझे प्रसन्नता है कि डॉक्टर मोहन भागवत ने
हिंदुओं का सही दिशा में मार्गदर्शन किया है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि हिंदुओं को हिंसा का सहारा नहीं लेना है, कानून हाथ में नहीं लेना है, किंतु एकजुट रहकर तथा शक्ति अर्जित करके अपने परिवार एवं संपत्ति की रक्षा करनी है। मैं पिछले 40 सालों से मीडिया में हूं और जिस समय देश में प्रो मुस्लिम सरकारें थीं, उनके समय से सार्वजनिक रूप से लिखता रहा हूं कि हिंदू स्वाभाविक रूप से ही सबका मित्र है, किंतु दूसरे लोग उसे तभी मित्र मानेंगे जब हिंदू संगठित हो, समृद्ध हो एवं शक्ति का पुंज हो। हिंदू को शक्ति एवं संगठन इसलिए नहीं चाहिए कि उसे देश में कोई उपद्रव खड़ा करना है, किंतु इसलिए चाहिए कि कोई भी विधर्मी हिंदू को थूका हुआ और पेशाब मिलाया हुआ भोजन न खिला सके। कोई आतंकवादी रेल की पटरियों पर पत्थर रखकर ट्रेनें गिराने का षड्यंत्र न रच सके। दुर्गा पांडालों पर फेंकने के लिए हाथ में पत्थर उठाने से पहले ही कुचक्रियों के हाथ पांव कांपने लगे। हिंदू को कमजोर जानकर ही तो किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानियों ने लाल किले पर से तिरंगा उतार कर फेंक दिया। हिंदू अहिंसक है, शताब्दियों से है, किंतु उसका अर्थ यह तो नहीं है कि अहिंदू लोग देवी की मूर्तियों से उस मुकुट को ही चुरा कर ले जाएं जो भारत के प्रधानमंत्री किसी पड़ोसी देश में जाकर देवी की मूर्ति को अर्पित करते हैं। यह अच्छा है कि हिंदू एक हो रहा है, वह अपनी दुकानों पर भगवान के चित्र लगा रहा है, सनातन सब्जी वाला लिख रहा है। जब उपद्रवी लोग फलों और रोटियों पर थूकते हैं तथा जूस में पेशाब मिलाते हैं, तब बहुत से राजनीतिक दलों एवं मीडिया के बंधुओं को खामोश रहना ही श्रेयस्कर लगता है, किंतु जब हिंदुओं की दुकानों पर सनातन सब्जी वाले का प्ले कार्ड लगता है तो वे चिल्लाने लगते हैं कि यह देश को बांटने की साजिश है। ऐसा केवल इसलिए है कि ये राजनीतिक दल एवं विदेशी ताकतों की दुकानों में बिके हुए मीडिया के लोग समझते हैं कि हिंदू असंगठित है, उसमें स्वयं कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं है, उसे जैसा हम बता देंगे वैसा ही वह मान लेगा। अच्छा है कि अब हिंदू इन षड्यंत्रों को समझ रहा है। यदि आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत हिंदुओं को एक होकर अपनी रक्षा करने का आह्वान करते हैं तो वे भारत माता की आत्मा की आवाज को ही बुलंद करते हैं। देश के हिंदुओं को डॉ. मोहन भागवत से इसी हुंकार की आशा है। धन्यवाद। जय हिंद।